आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर गृह मंत्रालय के कमिटी रूम में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान माणिक शाह जी, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, त्रिपुरा मोर्चा के स्थापक अध्यक्ष प्रद्युत जी, विपक्ष के नेता अनिमेश जी, त्रिपुरा से आए हुए मंत्रीगण और संगठन के सभी पदाधिकारीगण, विधायक, चेयरमैन TTADC और गृह मंत्रालय के सभी ऑफिसर्स, आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। इतिहास जो है उसको कोई बदल नहीं सकता, मगर उसमें जो गलतियां हुई है इसको सीख कर आज की वास्तविकताओं को नजर में रखकर हम आगे जरूर बढ़ सकते हैं। और मुझे आनंद है कि त्रिपुरा मोर्चा ने, सभी ट्राइबल पार्टियों ने और सभी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल लिया है और भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा सरकार ने भी शुरू से इसके लिए प्रयास किया। विप्लव जी उपस्थित है, माणिक शाह जी यहाँ उपस्थित है। माणिक शाह जी ने भी बड़े इंटरेस्ट से बारीकियों में इसको स्टडी कर अंजाम तक पहुंचाने में बड़ी अच्छी भूमिका अदा की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर स्वप्नों के साथ आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया है। हमने ढेर सारे संगठनों से बात की, सरेंडर्स भी बहुत हुए, करीब करीब 10,000 लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में विकास का एक माहौल बना है। ब्रू रियांग का समझौता हो या सीमाओं का समझौता हो, शुरुआत उसकी त्रिपुरा से ही हुई थी और ये टर्म में अब क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, अंतिम समझौता भी त्रिपुरा का हो रहा है। 2019 में NLFT SD के साथ समझौता हुआ था, 20 में ब्रू समझौता हुआ, 20 में बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समझौता हुआ, 22 में असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 2023 में दिमासा शांति समझौता हुआ, 2023 में UNLF का समझौता हुआ और 2023 में ही उल्फा का समझौता हुआ और अब ये समझौता हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11 अलग अलग प्रकार के सीमाओं से जुड़े हुए, अपनी पहचान से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति और भाषा के लेकर संघर्ष करने वाले सभी के साथ सामंजस्य पूर्वक बात कर हमने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में काम किया है। मुझे बहुत आनंद है कि आज त्रिपुरा, हम विवाद मुक्त त्रिपुरा की ओर आज से आगे बढ़े हैं। मैं प्रद्युत देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत का इतिहास है, जब विभाजन की विभीषिका पूरा देश झेल रहा था, तब बांग्लादेश के सभी
हिंदू परिवारों को शरण देने का काम आपके दादा ने किया था, महात्मा गांधी की अपील को उन्होंने सम्मान किया था, मगर बाद में कुछ ऐसी बातें हुई कि एक मतभेद भी हुए, थोड़े संघर्ष भी हुए। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार दो कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे संदीप पात्रा जी ने भी बहुत बारीकी से, और पॉलिटिकल कारणों से मैं बड़ा व्यस्त चल रहा था, फिर भी मेरा समय खींच कर छीन कर इसको अंजाम तक पहुंचा है, तो पात्रा साहब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आईबी की ओर से हमारे जो नेगोशिएटर हैं और जो जिन्होंने समझौते को मूर्त रूप दिया है, ये सभी को धन्यवाद कर मेरी बात की समाप्ति करता हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।